हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, ड्रीम इलेवन द नॉकआउट ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको बताते हैं। यह द नॉकआउट एक टूर्नामेंट है। ठीक है, इसकी एक क्वालिफाइंग डिपॉजिट है, वो है आपकी 499 रुपया यानी 499 रुपीज़। ठीक है, और इसमें वही लोग क्वालिफाइंग डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके इप बैनर पे 499 रुपया एड ये क्वालिफाइंग डिपॉजिट का कम्युनिकेशन या बैनर पे आया होगा। ये सभी यूज़र के लिए नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि द नॉकआउट इज़ ओपन टू सेलेक्ट यूजर्स ऑफ ड्रीम इलेवन ऐप हु रिसीव बैनर वाया इन एप कम्युनिकेशन, यानी ड्रीम इलेवन के का जो बैनर वाला सेक्शन है वहाँ से जिनको ये ऑफर दिया होगा वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्वालिफाइंग डिपॉजिट करके। ठीक है, जिन लोगों को भी ये ऑफर आया हुआ है उनको इन एडवांस कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो भी ये टूर्नामेंट है उसके बारे में डिटेल बताते हैं और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये भी बताते हैं। ठीक है, अभी तो आप ये जान पाए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी कौन रखता है। ठीक, नेक्स्ट, जिनको भी ये ड्रीम इलेवन ऐप बैनर के माध्यम से ये ऑफर मिला हुआ है तो उनको क्वालिफाइंग डिपॉजिट पीरियड के दौरान ही यह पैसा ऐड करना पड़ेगा, जिसका टाइम पीरियड है आपका 18 अक्टूबर शाम को 5 बजे से लेकर 20 अक्टूबर 2 बजे तक का ही आपके पास टाइम है। ठीक है, यह फर्स्ट 1.5 लाख यूज़र के लिए ही है अगर कोई भी अगर क्वालिफाइंग डिपॉजिट पीरियड का पहले या उसके बाद अगर डिपॉजिट करता है तो वो इसके लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी आपका 499 रुपया मिलेगा वो आप जो भी पेड कंटेस्ट है ड्रीम इलेवन में आप वहां से खेल सकते हैं, और साथ ही साथ जो ये टूर्नामेंट कंटिन्यू हो रहा है द नॉक आउट, इसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी इसमें आपने क्वालिफाइंग डिपॉजिट किया होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, जो ये टूर्नामेंट है चलिए उसके डिटेल्स बताते हैं। इसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट होंगे जो भी आपका मैच चल रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ खास रैंक वाले होल्डर को ही हर मैच में आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, और उसके अनुसार ही उनको कुछ एक्स्ट्रा विनिंग दी जाएगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कितने से कितने रैंक के बीच में लोगों को आगे क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप यहाँ पर देख लीजिए डेट टाइम मैच क्वालिफाइंग रैंक फॉर नेक्स्ट मैच मीनिंग एट दिस स्टेज, जो 21 तारीख को मैच होने वाला है आपका 1:30 बजे से स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, तो जिनका भी रैंक 1 से 1,40,000 के बीच में होगा वो आगे क्वालिफाई करेंगे। जो मैच 22 तारीख का है, ठीक है, 22 तारीख जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच, उसमें 1 से 30 लाख लोगों को चुना जाएगा। फिर वो लोग नेक्स्ट मैच जो कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का 23 तारीख को है उसमें भाग लेंगे, उसमें से 1,20,000 लोगों को अगले मैच के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि 24 तारीख को आपका साउथ अफ्रीका वर्सेज TBC। ठीक है, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट लेंगे। ठीक है, उनमें से 1 से 1,00,000 के बीच में जो लोग होंगे उनको पहले तो 50% डिस्काउंट मिलेगा 25 रुपये तक का अगले मैच के लिए, फिर वो अगले मैच के लिए क्वालिफाइंग कर जाएंगे। फिर 26 तारीख को जो मैच आपका न्यूजीलैंड वर्सेज अफगानिस्तान का है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट लेंगे, और उसमें से 1,80,000 लोगों को आगे के मैच के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, साथ ही उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा 50 रुपये तक का। ठीक है, जो अगला मैच है वो आपका 27/10/2022 को है, जो इंडिया वर्सेस TBC
जिसमें जो जिनका भी रैंक 1,60,000 के बीच में होगा वो आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। साथ में उन्हें 50% का डिस्काउंट 75 रुपये तक का मिलेगा। नेक्स्ट अगला मैच है आपका 28/10/2022 को इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। इसमें 1 से 45 हज़ार लोगों को आगे मतलब नेक्स्ट मैच के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही उन्हें 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा जो 150 रुपये तक का होगा। जो अगला मैच आपका 29/10/2022 को न्यूजीलैंड वर्सेज टीबीसी, इसमें से 1 से 30 हज़ार के रैंक वालों को चुना जाएगा अगले मैच के लिए। साथ ही उनको 250 रुपये तक का 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। नेक्स्ट मैच आपका 30/10/2022 को ये पाकिस्तान वर्सेज टीबीसी, इसमें से 1 से 10 हज़ार लोगों को अगले मैच के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही इनको 50% डिस्काउंट आपका 500 रुपये तक का दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच आपका 31/10/2022 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेज टीबीसी, इसमें से 1 से 3 हज़ार के बीच के रैंक वालों को नेक्स्ट मैच के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही इनको 50% डिस्काउंट 750 रुपये तक का मिलेगा। अगले मैच जो कि आपका 1/11/2022 को है इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड, इसमें से 1 से 1 हज़ार तक के रैंक वालों को चुना जाएगा अगले मैच के लिए। और साथ ही इनको 50% डिस्काउंट 1,000 रुपये तक का मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट मैच 2/11/2022 को है इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, इसमें से 1 से 500 तक के बीच वाला रैंक को नेक्स्ट मैच के लिए चुना जाएगा। साथ ही इनको 50% डिस्काउंट 2,000 रुपये तक का मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट मैच आपका पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका है 3/11/2022 को, इसमें से 1 से 100 के बीच वाला रैंक को नेक्स्ट मैच के लिए चुना जाएगा। साथ ही इनको 50% का डिस्काउंट 5,000 तक का मिलेगा। नेक्स्ट मैच आपका ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का है जो 4/11/2022 को होगा, इसमें से 1 से 64 के बीच में जो भी रैंक वाले होंगे उनको नेक्स्ट मैच के लिए प्रोसीड किया जाएगा। साथ ही इनको 50% का डिस्काउंट 10,000 रुपये तक का मिलेगा। नेक्स्ट मैच आपका 5/11/2022 को इंग्लैंड वर्सेज टीबीसी, इसमें से 1 से 32 के बीच के रैंक वालों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। साथ ही इनको विनिंग अमाउंट 50,000 दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच आपका 6/11/2022 को इंडिया वर्सेज टीबीसी, इसमें से 1 से 16 तक रैंक वालों को अगले मैच के लिए प्रोसीड किया जाएगा। साथ ही इनको 1 लाख तक का विनिंग दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच आपका 9/11/2022 को सेमीफाइनल पहला है, इसमें से 1 से 4 के बीच वालों को आगे के मैच के लिए प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, और साथ में इनको 5 लाख तक का विनिंग अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट मैच आपका 10/11/2022 को सेमीफाइनल 2 है, इसमें से टॉप के 2 रैंक होल्डर को आगे के मैच के लिए प्रोसीड किया जाएगा। साथ ही उनको 10 लाख रुपया विनिंग दिया जाएगा, विनिंग कैश दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच आपका 13/11/2022 को फाइनल है। ठीक है, जिसमें जो इन दोनों से विनर होगा उसे 1 करोड़ रुपया फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे यह टूर्नामेंट अप्लीकेबल होगा जो कि आपका ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, जो आपका 21 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक ही। ठीक है, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट होंगे जिन्होंने क्वालिफाइंग डिपॉजिट किया होगा। साथ ही हर मैच में जो भी रैंक होल्डर होंगे उनको ही आगे प्रोसीड किया जाएगा, जैसा कि ऊपर टेबल में आपको बताया गया है। ठीक है, अगर जो लोग भी एक में क्वालिफाई करते हैं और अगले में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो पिछले मैच में जो भी जैसा उनका अमाउंट होगा उनको दे दिया जाएगा। ठीक है,
अगर कोई भी, अगर बहुत सारे अगर क्वालिफाइंग विनर होते हैं, अगर वो अगले पार्ट के लिए अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यह टूर्नामेंट लीग कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट, द नॉकआउट टूर्नामेंट के दौरान जो कोई भी आपको डिस्काउंट कूपन 50% का मिलेगा, उससे आप 14 नवंबर को माई ड्रीम इलेवन के माई रिवार्ड वाले सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी यहां से विनिंग कैश जीते होंगे तो डायरेक्ट उन्हें ड्रीम इलेवन के जो विनिंग अकाउंट है उसमें 14 नवंबर तक डिपॉजिट कर दिया जाएगा सारे टैक्स काट के, ठीक है। अगर एक ही रैंक पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं तो उन सबको नेक्स्ट मैच के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक। अगर कोई भी क्वालिफाइंग पार्टिसिपेंट अगले मैच में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता तो जहां तक वो क्वालिफाई किया होगा, जैसा कि आपने ऊपर टेबल में देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनको उनका प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही ड्रीम इलेवन यह अधिकार रखता है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन वो कभी भी किसी भी टाइम पे चेंज कर सकता है बिना पार्टिसिपेंट को कोई सूचना दिए हुए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो को कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।